सुलोचना जी जैसी एक कुशल जनसेवक, समर्पित जनसेवक, जिन्होंने जीवन भर आपका झंडा उठाया, हमारे आदिवासी समाज का झंडा उठाया, न्याय की लड़ाई लड़ी, विकास की लड़ाई लड़ी और प्रगति की लड़ाई लड़ी, आज वो अस्वस्थ हैं, अभी भी अस्पताल में हैं। आज उनकी अनुपस्थिति में मैं उनको याद करते हुए, तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि इंदौर के अस्पताल में सुलोचना जी को सुनाई दे, तालियों की गड़गड़ाहट मेरी जनता। अरे ये थोड़ी जोबट की ताली, ऊपर से वहां से ताली बजा। आज उनके विधायक प्रतिनिधि के रूप में उनका नौजवान बेटा हमारे साथ में खड़ा है, जो जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पे ली। मैं विशाल को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके संकट के समय में आपके साथ खड़ा है, और अमोर जोबट की समस्त जनता जनार्दन विशाल के साथ खड़ी है, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है मेरे भाई और बहनों। मेरे आदिवासी समाज के भाई और बहनों को मैं प्रणाम आज करना चाहता हूं। मेरा आदिवासी समाज, ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत की पहचान है। मेरी आदिवासी समाज भारत का नवरत्न है। जो आदिवासी समाज ने भारत के इतिहास में आज नहीं, 100 साल पूर्व नहीं, 500 साल पूर्व नहीं, लेकिन जब से सृष्टि रही है, अगर इस सृष्टि पर कोई पहला रहा है इस सृष्टि का देखभाल करने के लिए, तो मेरा आदिवासी समाज रहा है मेरे भाई और बहनों। और आज ये प्रण और संकल्प हम लेते हैं कि जो आपके पूर्वजों ने केवल आपको रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन जो आपके पूर्वजों ने इस पृथ्वी के हर इंसान को रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलने का प्रण और संकल्प हम सब साथ में लेके चलते हैं। एक अभिनंदन मेरा आदिवासी समाज, भारत की संस्कृति की, भारत की सिद्धांतों की, भारत की मूल्य की और भारत की पहचान की सदैव है। और अगर एक व्यक्ति है जिसने भारत के 75 वर्ष आजादी के वर्षों में आपकी पहचान को विश्व पटल पर उजागर किया है, तो उस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है मेरे भाई और बहनों। मेरे जनजातीय समुदाय के लिए जो एक एक कदम उठाया गया 75 वर्षों में, कांग्रेस की शासनकाल जब केंद्र में रही, किसी भी आदिवासी हमारे भाई बहन की मान सम्मान बढ़ाने का कदम नहीं लिया गया। अगर लिया गया तो प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया। जब नवंबर 16 को पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में जनजातीय दिवस भगवान बिरसा मुंडा के दिवस में आज मनाया जाता है मेरे भाई और बहनों। भगवान बिरसा मुंडा केवल आपके समाज के भगवान नहीं थे, भगवान बिरसा मुंडा 140 करोड़ भारत की जनता के भगवान थे। जिस तरीके से उन्होंने विदेशी ताकतों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने आदिवासी भाई बहनों को शिक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी, आज जहां एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वही दूसरे तरफ भगवान बिरसा मुंडा हमारे प्रेरणा स्रोत हैं मेरे भाई और बहनों।